Say what's up guys, welcome back to the channel. आज हम बात करेंगे ओडिया इंडस्ट्री की मच अवेटेड मूवी यानी दमन, जिसने सबके अटेंशन को अपनी तरफ खींचा है। और इस मूवी को लेकर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है इस मूवी का हिंदी डबिंग। यानी जब से अनाउंसमेंट हुआ है कि दमन मूवी हिंदी के अंदर आएगा, उसके बाद से ये अपडेट कभी कन्फर्म होता है, कभी कैंसिल होता है, कभी कैंसिल होता है, कभी कन्फर्म होता है। यानी जो पहले अपडेट आया था कि इस मूवी की हिंदी डबिंग के अंदर बाबूशान सर को जो है संकेत मात्रे सर आवाज देने वाले, लेकिन उसके बाद ये कैंसिल हुआ। और उसके बाद अपडेट आया कि बाबूशान सर जो है खुद अपने वॉइस को हिंदी में डब्ड करने वाले, वो चीज कंफर्म भी हुआ था। डायरेक्टर साहब ने खुद पिक्चर शेयर करके सबको अपडेट किया कि हिंदी डबिंग का काम स्टार्ट हो चुका। बट अभी फाइनल अपडेट के अनुसार दमन मूवी का जो हिंदी डबिंग है, इस मूवी के अंदर बाबूशान सर को हिंदी में जो अपना वॉइस देने वाले, वो है डबिंग इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी संकेत मात्रे सर। मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था, जहां से अपडेट आया था, जहां से अफवाह उड़ा था और जहां से ये चीज कंफर्म हुआ था, फिर कैंसिल हुआ था कि संकेत मात्रे सर जो है बाबूशान सर को आवाज देने वाले, फिर से वो चीज कैंसिल हुआ एंड वो चीज घूम फिर के वहीं पे जाके अटका। एंड फाइनली अब बाबूशान सर को दमन मूवी के अंदर हिंदी में वॉइस देने वाले हैं। अभी ये पूरा फाइनल कंफर्मेशन है, अब कोई भी चीज इधर उधर नहीं होगा, अब ये फाइनल पक्का हो चुका है। और संकेत मात्रे सर टीम को ज्वाइन भी कर चुके, आज से काम हो भी चुका है, आप लोग पोस्टर स्क्रीन के ऊपर देख सकी। और ये चीज कहीं ना कहीं सही भी है, इनके मेकर्स ने भी सोचा होगा कि ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा प्यार और रिस्पांस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कि ऑडियंस जब इस मूवी को प्यार करने में सपोर्ट करने में कोई कमी नहीं रख रहे तो हम क्यों अपने हिसाब से कमी रखे। तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया होगा कि अभी प्रोफेशनल तरीके से ये चीज करें, जिससे कि इस मूवी को देखने का मजा और दोगुना आ जाए। एंड इसीलिए संकेत मात्रे सर को इन लोगों ने फिर से अप्रोच किया और अब ऑफिशियल तरीके से संकेत मात्रे सर दमन टीम के साथ जुड़ चुके हैं और आज से तो काम भी स्टार्ट कर दिया है, काफी जोरों शोरों से काम चल रहा है। और ये मूवी यानी दमन मूवी हिंदी के अंदर पूरे इंडिया में 16 दिसंबर 16 दिसंबर को रिलीज होगा, आप सब लोगों को देखने को मिलेगा। एंड उस दिन तो अलग लेवल का तबाही करेंगे। उसको लेके कल ही मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, वहां पे मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था। और अगर आप लोगों को 16 दिसंबर से पहले 25 तारीख को यानी इसी 25 तारीख को अगर आपको दमन मूवी देखना है तो वो वीडियो जाके जरूर से चेक कीजिएगा। मुंबई के अंदर लगने वाला गेटी गैलेक्सी के अंदर क्या सीन है, अगर आप लोगों को प्रॉपर जानना है उसके बारे में तो वीडियो देख लीजिएगा एंड उसका मजा उठा लीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतने अपडेट था कि हिंदी डबिंग को लेके फिर से यहाँ पे चेंजेस हुए हैं और जो चीज यहाँ पे हुआ है, आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड मुझे भी लगता है काफी ये चीज दमन मूवी को काफी फायदा देने वाला है, क्योंकि संकेत मात्रे सर काफी बड़े एक डबिंग आर्टिस्ट है एंड उनके नाम पे भी जब लोगों को पता चलेगा ना कि यार संकेत मात्रे सर एक ओडिया मूवी के अंदर आए हैं, तो भाई लोगों को भी पता चलेगा, जिनको भी पता नहीं है उनको भी लगेगा कि भाई ये कौन मूवी है, इसको देखना चाहिए। तो इसके रीच के लिए भी काफी सही होगा। तो आप लोग इसमें क्या कहना मुझे कमेंट बॉक्स जरूर से बता सकते हो। और जब संकेत मात्रे सर जब डब करेंगे ना, तो जो प्रोफेशनल तरीके का प्रोफेशनल काम होता है ना, वो चीज होगा, तब इस मूवी को देखने का मजा और आ जाएगा। आप लोग इसमें क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये जरूर से बताना कि बाबूशान सर को ही करना चाहिए था या फिर संकेत मात्रे सर जब आए हैं वो चीज काफी अच्छा हुआ है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। और कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर से कर देना। सो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।